ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं फिर रावत स्वागत करता हूँ सभी का आईटीवी हिंदुस्तान में। खबर देहरादून से है, जहाँ श्री हनुमान महोत्सव के पर्व पर श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में रामकथा का आयोजन किया गया, जो कि 16 अप्रैल हनुमान महोत्सव तक चलेगा। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर के मुख्य सेवकदार संजय कुमार गर्ग से बात करने पर पता चला कि श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में मेहंदीपुर राजस्थान से ज्योति जी भी लाई गई है, जिसका वह काफी समय से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। इसी के साथ मंदिर में 14 अप्रैल को कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 501 महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। उसी के साथ 24 अप्रैल को एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालु एवं नागरिक आ सकते हैं। और 22 मई को जो कन्याएं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन कन्याओं का शादी समारोह का भी आयोजन किया गया है। श्री रामकथा का आयोजन श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर किया गया है, जो आगामी 16 अप्रैल 2022 को श्री हनुमान जन्मोत्सव का पर्व होगा। इस क्रम में खास यही है कि सर्वप्रथम हम मेहंदीपुर राजस्थान से पवित्र अखंड ज्योत यहाँ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ आई है, और अब आज से जो है श्री रामकथा प्रारंभ हो गई है, जो आगामी 14 अप्रैल तक जो है कथा का जो है चलती रहेगी। इसके पश्चात 16 अप्रैल को श्री बालाजी महाराज का चोला अर्पण होगा, और उसके पश्चात जो है बैंड बाजे और जो है अपने शहर के साथ ही साथ अन्य जनपदों अन्य प्रदेशों से जो है विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ ये जो ज्योत है बालाजी के स्वरूप के साथ नगर परिक्रमा करेगी। इसमें यही कहना है कि देखो, हमारे परम पूज्य महंत श्री श्री 108 रविंद्रपुरी जी महाराज, जो वर्तमान में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में ये सारे कार्यक्रम हो रहा है। तो उनका कहना यह है कि धर्मार्थ के साथ जब तक रचनात्मक कार्यक्रम हम नहीं करेंगे तो हमारे देश और प्रदेश का कोई जो है भला होने वाला नहीं है। उसी क्रम में जो है ऐसी कन्याएं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, एक कन्या हो, दो कन्या हो, चार कन्या हो, उनके पंजीकरण हम लोग कर रहे हैं, और जो है 22 मई को उन सभी का सामूहिक विवाह जो है मंदिर प्रांगण में यहाँ संपन्न होगा। और इसी के साथ साथ इससे पूर्व 14, 15 और 16 मई को जो है हम दून इंटरनेशनल स्कूल में करजन रोड पर एक निशुल्क दिव्यांग शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं, जिसमें मैं राजस्थान से जो है अंग बनाने वाले, कृत्रिम अंग बनाने वालों की टीम यहाँ आएगी, और जिसके कृत्रिम अंग नहीं है उसको वहीं नाप लेकर अंग बनाएगी और उनको दिव्यांगों के निःशुल्क लगाएगी। साथ ही साथ जो है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से जो है डॉक्टरों की टीम आके जो निःशुल्क कैंसर जाँच भी, ये सब इसी कार्यक्रम के माध्यम से किए जा रहे हैं। पवित्र ज्योत मंदिर में आई है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा दल जो है काफ़ी समय से इसके प्रयास में था, और कल मेहंदीपुर राजस्थान से हमारे बीच ज्योत आई है। बहुत ही इससे लोग हर्षित है कि पवित्र ज्योत के दर्शन हुए, और उसी क्रम में जो ये आज से श्री रामकथा का आयोजन हुआ है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत कार्यक्रम है और बहुत पवित्र वो है। इससे लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही जो है धार्मिक आयोजन हो रहा है। हेलको बालाजी की शोभा यात्रा निकलने वाली है, उसमें भी हम सब अपनी तरफ से पूर्ण भागीदारी देने वाले हैं, और इसके पश्चात कन्याओं का सामूहिक विवाह होने वाला है, जिसमें 5 हो, 6 हो, जितनी कन्याओं हो जो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, उनका विवाह, सामूहिक विवाह यहाँ मंदिर प्रांगण में होने वाला है। तो उसके लिए भी युवा सेवा दल की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। यात्रा निकली है ना, तो हमने लेडीज़ों को कहा कि आइए आप इसमें कलश में भाग लीजिए, ताकि आपका भी थोड़ा वो सहयोग रहेगा, उद्धार हो जाएगा। और जैसा ये गंगा, इसमें गंगा जल है, आपका घर आपके जीवन में भी ऐसे ही हरिया वो रहती रहे, तो इसलिए हमने उसके लिए वो रखी कलश यात्रा, ताकि आए अधिक से अधिक आए और अपना भागीदारी पूरा करें, निभाएं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहे आईटीवी हिंदुस्तान। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।